जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2023 में पेपर 2 में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था उसको हम लोगों ने कवर किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 2020 को पेपर 2 में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सवाल है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कॉन्टेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज बेस्ड ऑन विच लॉ। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसके नियम पर आधारित है? तो ध्यान रखना है कि यह जो कथन है दोस्तों किसके नियम पर आधारित है, तो यह जो कथन है एवोगाड्रो लॉस पर आधारित है, यानी एवोगाड्रो की परिकल्पना पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 20 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सप्लोड विथ 30 ml ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को 30 ml ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापकरण पर विस्फोट कराया गया, अभिक्रिया के बाद मिश्रण का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो कितना आयतन इसका होगा, तो 40 ml इसका आयतन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इन द रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नाभिक का आकार निम्नलिखित में से किसके रेंज में होता है? तो नाभिक का आकार कितना होता है, तो यह होता है 10^15 meters। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द वंडरवाल्स इक्वेशन बिकम्स, तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर यहाँ पे होगा, द वंडरवाल इक्वेशन कितना होगा आपको यह बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा PV=RT। नेक्स्ट है, इफ डेल्टा एस फॉर एन इंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज फिजिबल, यदि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान धनात्मक है तो यह अभिक्रिया संभव है। तो यह अभिक्रिया कब संभव है, जब वेन टी डेल्टा एस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए डेल्टा एस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन KP=KC, निम्नलिखित गैसीय अभिक्रियाओं में किस अभिक्रिया में KP=KC है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह किस अभिक्रिया में, तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्शन कराते हैं तो 2HI बनता है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है KP और KC बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसमें है, तो यह है O2F2 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्वाइनाइज मेटल इज, सिक्का धातु का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, N-1d^10, ठीक है, और NS1 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, कौन सा लीनियर है आपको यह पहचानना है, तो याद रखना है CO2 कैसा होता है, तो यह लीनियर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CuSO4 5H2O में उपस्थित बंधन है, तो इसमें उपस्थित जो बंधन है कौन सा होता है, तो इसमें उपस्थित बंधन है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट भी होता है, कोवैलेंट भी और कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट भी, ये सभी के सभी मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन के लिए निम्न में किसका ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका होता है, तो यह होता है एसिटिनिलाइड, ठीक है, एसिटिनिलाइड का होता है क्या दोस्तों, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस धातु पर तनु HNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो याद रखना है मैग्नीज धातु पर तनु HNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सॉल्वेज
प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। साल्वे विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, तो याद रखना है NO2CO3 के निर्माण में, यानी यहाँ सोडियम होगा, याद रखना है Na होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिथियम डिफर्स फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स ड्यू टू, दूसरे क्षार धातुओं से लिथियम अलग है क्यों अलग है, तो याद रखना है कि इट्स ए स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, इस कारण दूसरे क्षार धातुओं से लिथियम क्या है दोस्तों, अलग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस एग्जिबिस्ट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, फॉस्फोरस निम्नलिखित में किसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अमोनिया गैस रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू गिव, अतिरिक्त क्लोरीन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया से मिलता है तो क्या मिलेगा, तो यह मिलेगा NCl3। दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो पूरा डिटेल इसका आप देख सकते हैं वहां से जाकर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाइएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम आयोनिक लक्षण वाला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा PbCl2, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिएक्ट्स विद बेसिक रेडिकल टू फॉर्म मेटाबोरेट, बोरेक्स विड परीक्षण में कौन सा अवयव क्षारीय मूलक के साथ क्रिया करके मेटाबोरेट बनाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से एथेनॉल के निर्जलन के दौरान बनने वाली अभिक्रिया मध्यवर्ती होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकोसोल गिव्स मेनली सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया में ग्लाइकोसोल मुख्य रूप में उसका सोडियम लवण देता है, तो किसका, तो ग्लाइकोलिक एसिड का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वयन संख्या होती है, तो इसका समन्वयन संख्या कितना होता है, तो 12 होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज टेक प्लेस एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, तो याद रखना है कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन कंप्लीट इन 32 मिनट, देन 50% ऑफ रिएक्शन वुड बी कंप्लीट इन, प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरे होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो 16 मिनट लगेगा, ये पूरा डिटेल दिया गया है यहाँ पर, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है मैक आर्थर प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा सिल्वर यानी Ag का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एंटीबायोटिक यूज फॉर क्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस इज, क्षय रोग ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्रोटीन का हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किस बंध के द्वारा स्थायी होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी एमिनो क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इज नोन एज, प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है, तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी कार्बिल एमाइन रिएक्शन, यह कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पिरिमिडिन बेस विच इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA इज, निम्नलिखित में से कौन सा पिरिमिडिन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है किंतु DNA में नहीं है, वो कौन सा है, तो वह है यूरासिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग द कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा K3FeCN6।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5NH2 एंड C6H5NH2 विच ऑफ द रिएजेंट इज यूज्ड, कौन सा रिएजेंट इसमें प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेप्थॉल का इसमें प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, कौन इनमें से सबसे ज्यादा स्थायित्व किसमें है, तो NH3 में सबसे ज्यादा स्थायित्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन द कैटलिस्ट यूज इन दिस रिएक्शन, एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का उपयोग होता है वह कौन सा है, तो याद रखना है जेगलर नाटा कैटलिस्ट। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओरलोन इज पॉलीमर, और ओरलोन एक बहुलक है, तो याद रखना है यह किसका बहुलक है, तो एक्रिलो नाइट्राइल का यह बहुलक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन सो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, निम्न से कौन धातु सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा Mn यानी मैग्नीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द रिएजेंट विच रिएक्ट्स विथ बोथ अल्डिहाइड एंड केटोन इज, अभिकर्मक जो अल्डिहाइड और केटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह कौन सा है, तो वह कौन सा है, तो वह है ग्रिगनाट रिएजेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3CHO जो है वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड होम फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फॉर्मिक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, तो सिल्वर मिरर प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम, निम्नलिखित में से कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है, तो कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा Ac+3। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो याद रखना है द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ K+ एंड Cl- इज अप्रॉक्सिमेटली सेम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूल सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एन आयोनिक कंपाउंड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इफ Ra+ / Ra- वैल्यू इज इक्वल टू, कितना वैल्यू इसका होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू होता है 0.22 to 0.414। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सर कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 120 ग्राम एसिटिक एसिड, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जो है जल है एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 0.2 मोल होगा, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट है इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Mg एंड Al आर +2.37 एंड +1.66 रेस्पेक्टिवली, देन इन केमिकल रिएक्शन Mg will क्या होगा, तो याद रखना है डिस्प्लेस Al यानी मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो याद रखना है लीड स्टोरेज जो बैटरी है वो कैसा है, तो द्वितीयक सेल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेडियली एब्जॉर्ब्ड, निम्नलिखित में से कौन गैस सक्रिय चारकोल के द्वारा आसानी से अधिशोषित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन, ये दिया गया है अभिक्रिया, एक उदाहरण है तो इसमें स्टार लगा हुआ दोस्तों, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन सेंट्रल मेटल आयन विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स विल हैव द हाईएस्ट CFSE वैल्यू, दिए गए केंद्रीय धातु आयन के लिए निम्नलिखित में से लिगेंड का
CFSE का मान अधिकतम होगा तो यह किस में होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ C6H5MgBr विद द फॉलोइंग इन। करेक्ट ऑर्डर पहचाना, सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले सबसे ज़्यादा हो जाएगा दो में, उसके बाद तीन में, और सबसे कम किस में होगा? एक में। नेक्स्ट हमारा सवाल है ब्यूट वन आयन ऑन रिएक्शन विद 20% ऑफ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 गिव्स, यह क्या देगा? करेक्ट आंसर की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह देगा CH3CH2COCH3। नेक्स्ट हमारा सवाल है, और उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि द बीटा प्लीएटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स। प्रोटीन में बीटा प्लीएटेड सीट संरचना निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन बनने में समर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2CH2CWH। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिलिन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन इज। करेक्ट ऑर्डर आपको पहचाना है तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा RI में, उसके बाद RBR में, उसके बाद RCL में, और सबसे कम किस में होगा? तो RF में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है? आपको यह पहचाना है, यह है H3PO4। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CR इन K3CrC2O4 का होल थ्राइस आर रेस्पेक्टिवली। इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर आपको यह बताना है, तो +3 और +6। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO इन, यानी कोबाल्ट का पूछ रहा है आपसे इसमें, इन द कॉम्प्लेक्स इसमें कितना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, तो इसमें है कितना 36 है कोबाल्ट का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच एमोंग द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन सा है? सभी को मालूम होगा और ये कॉमन भी सवाल है, तो सर्वाधिक जो मीठा शुगर है वो कौन सा है? तो फ्रुक्टोज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जटिल यौगिकों के निम्नलिखित युग्मों में कौन यौगिक प्रकाशित समावयवता प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन इज, वह युग जिसमें दोनों पदार्थों में लोहा है वह कौन सा है? तो वह है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स। इन दोनों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द रेडिएशन कॉमनली डिटेक्टेड इज। न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण में संसूचित किया जाने वाला विकिरण है, तो यह कौन सा है? तो यह है गामा रे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन ऑफ IO3- with I- in aqueous acidic medium results in, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्या देगा? I2 and H2। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ GD इन, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो GD यानी GD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह है गैडोलिनियम है GD का, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया तो इसमें हो जाएगा इसका 8, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एमोंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन इज। तो करेक्ट आंसर इसकी हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो बोथ HO and MO and LUMO are doubly जनरेटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। निम्नलिखित अभिक्रिया में वायुत
उत्पन्न मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो मुख्य उत्पाद इसमें से कौन बनेगा आपको यह पहचानना है। तो अगर आपने 11 12 क्लास एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा केमिस्ट्री की, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द नंबर ऑफ एच एन एम आर सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नियरेस्ट नाइबोर डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ साइड लेंथ ए इज ए बाय रूट 2 इन। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फेस सेंटर क्यूबिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस आपको क्या करना है, 11 12 क्लास को अच्छे से कवर करके एग्जाम में जाना है। हो सके तो जो दो दिन बचा हुआ, दो तीन दिन, उसमें आप मैराथन वीडियो ज़रूर देखें 11 और 12 की केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है, फोर अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 12, द एनर्जी ऑफ द लेवल क्रॉसपॉन्डिंग टू एन इक्वल टू 8 इज, क्या होगा आपसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2hh² डिवाइड बाई एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट है, द अलाउड ट्रांजिशन इन मोनो एटॉमिक सिस्टम, एक परमाणविक निकाय में अनुमत संक्रमण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, 3f4 बन कर क्या बनेगा ये, तो 3d3। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमॉन्ग द फॉलोइंग डैट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर इज, निम्नलिखित में से वह वैद्युत द्विक स्तर मॉडल जिसमें स्थिर तथा विस्तृत स्तर दोनों होते हैं वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है अस्टर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन डायरोमा मॉलिक्यूल इज, डाइबोटेन है यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन डायरोमा लिखा गया। डाइबोटेन अणु में सममिति तत्वों की कुल संख्या कितना है, तो इसमें कितना है, 8 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइबोरेन यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, याद रखना है। द लोवेस्ट एनर्जी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ H2+ मॉलिक्यूल इन Ra एंड R2 आर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लिक 1 और 2 रेस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये पूरा डिटेल दिया गया, आप देख लेंगे इसको PDF में। द सेट एमंग द फॉलोइंग इन विच ऑल नंबर आर मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन इज, निम्नलिखित में से वह सेट जिसमें संख्याएं न्यूक्लियॉन की मैजिक संख्याएं हैं वह कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो 20 28 50 एंड क्या है 120 यानी 126। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी यानी बोरॉन एमंग द फॉलोइंग, बोरॉन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको यह पहचानना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी 2 और 3 इसमें केवल सही दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं, तो द पोलरिटीज ऑफ BH एंड CH बॉन्ड्स आर अपोजिट, यह सही है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन फॉर 10B इज मच मोर देन 11B। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स तथा वाई की संरचनाएं हैं, तो ये अभिक्रिया दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द मेजर प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम के मुख्य उत्पाद एक्स तथा वाई कौन सा है, ये अभिक्रिया आपको दिया गया और आपको बताना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन डी, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द करेक्ट मैच फॉर द कंपाउंड्स इन द कॉलम 1 एंड द प्रॉपर्टी इन कॉलम 2, ये पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है आपको। करेक्ट आंसर क्या दिया गया, डी यानी ए का 4 बी का पी का 4 क्यू का 3 आर का आई मतलब 1 और एस का 2। आइए देख लेते हैं, ए का 4 है, मैच करा लेते हैं इसको, यानी याद रखना है आपको क्या, तो डाइफ्लोरोमेथेन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओजोन लेयर। सल्फा डाइजिन का क्या हो जाएगा, तो सल्फा डाइजिन का हो जाएगा ये है क्या, एंटी बैक्टीरियल है।
फिर है कार्टिसोन का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एंटी फ्लेमेटरी। और हेक्साक्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इंसेक्टीडियल यानी कीटनाशी है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैच द एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री ऑन द राइट विथ ईच ऑफ द स्पेसिज ऑफ द ऑन द लेफ्ट, मैच आपको कराना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ए का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, टी शेप्ड है। HCOF2 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। HCF3 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह लीनियर है। HCO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह पिरामिडल है। और HCOF4 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह है स्क्वायर पिरामिडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दोज विच आर फिजिबल इन लिक्विड NH3 आर, निम्नलिखित अभिक्रिया में से जो द्रव NH3 में संभव है वह कौन सा है, आपको यह पहचाना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल इज अ कंसिक्वेंस, द्रव विरोधी कोलाइडल की स्थिरता एक परिणाम है, तो किसका परिणाम है, तो याद रखना है यह है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द सरफेस ऑफ पार्टिकल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द नंबर ऑफ डीजेनरेट स्पेशियल ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू सिक्स इज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 36। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन द एटम्स एंड आयंस इन द क्रिस्टल आर टेकन टू बी हार्ड स्फीयर्स टचिंग ईच अदर इन द यूनिट सेल, देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, कितना होगा इसका, ये हो जाएगा रूट 3/8 पाई यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इक्विवेलेंट कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट, एक प्रबल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता जिस आरेख से प्राप्त की जा सकती है वह कौन सा है, आपको यह बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कौन सा है, तो यह ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फोर अ सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटिव रिएक्शन, ये दिया गया है रिएक्शन आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वुड बी बाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन का, तो K1 by K2 P, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच लेंथेनाइड इन कॉलम वन एंड देयर प्रॉपर्टी इन कॉलम टू, तो आपको ये पहचानना है, आइए इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी 1 3 2 1 4 3 2 1 4 मैच कराना, आइए मैच कराते हैं। तो एल यू का हो जाएगा क्या, डायमैग्नेटिक है। यू का क्या हो जाएगा, ये है MI ऑफ मेटालिक क्लस्टर। CE का क्या हो जाएगा, रिएजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। और TB का क्या हो जाएगा, पिंक इन ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पीक एरिया ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस कर्व इज ए प्रोपोर्शनल टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, विभेदी तापीय विश्लेषण वक्र का शिखर क्षेत्रफल निम्नलिखित में से एक या अधिक के समानुपाती होगा, तो किसके समानुपाती होगा, तो 2 और 3 यानी याद रखना है मास ऑफ सैंपल के और हीट ऑफ डिकम्पोजिशन के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड डैट डिस्प्लेज फॉलोइंग डाटा इज HNMR, ये पूरा डेटा दिया गया। करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, निम्न रूपांतरण में अपेक्षित पदों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। ये दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माइकल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, साइन एलिमिनेशन, कीटो एनॉल
टोटो मैरिज में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री आपको अच्छे से कवर करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप हो सके तो मैराथन देख लीजिए, कैसे भी सोकर जाकर जैसे भी देखना है लेट कर आप इसको कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं सब 11th 12th से ही पूछे गए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर, ये दिया गया आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना होगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया यानी ईएमएफ दिया गया 1.10 वोल्ट, द कैथोड इज, तो उसका कैथोड कितना होगा, तो कैथोड कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो यह कौन सा है, तो यह प्लैटिनम। कौन कौन सा मुक्त अवस्था में धातु पाया जाता है, ये कॉमन भी सवाल है, तो सोना, प्लैटिनम, तांबा और चांदी, ये वैसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बोन एस इज मेनली, अस्थि राख मुक्त होता है, तो याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट का यह बना होता है। नेक्स्ट है विच इज रॉन्ग अबाउट द ट्रांजिशन मेटल, कौन ट्रांजिशन मेटल के बारे में गलत है, तो डायमैग्नेटिक जो है ट्रांजिशन मेटल के बारे में गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन द सोडियम इज हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडियम एसिटेट का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन बनता है, CH4 बनता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सोप, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C7H35CWONA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, निम्नलिखित में से बेड़वादार ठोस कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन इज, तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो यह हो जाए 10^-6 से 10^-9 मीटर। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि द कंपाउंड वाई इन द एबव रिएक्शन इज, ये एक रिएक्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन इससे होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड इससे बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन है, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।